आज मैं आपको बताऊं कि मुझे मौका मिला यहाँ हमारे प्रधानमंत्री के घर पे आने का और इनसे बातचीत करने का। तो मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। मुझे मुझे जानना है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या बातचीत, मतलब उनकी पूरी दिन में जो सब चीज़ें होती हैं, मतलब पॉलिटिक्स को छोड़ के उसके बारे में मैं उनसे जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया है आपसे बात करने का। एक मुझे अच्छा लगा कि हम 2400 घंटे राजनीति की बातों में ही उलझे रहते हैं, तो आपने हल्की फुल्की बातें और अपोलिटिकल बातें करने के लिए इच्छा जताई है। मैं नहीं जानता हूँ दर्शकों को कितनी रुचि होगी, लेकिन ज़रूर मैं खुलकर के बातें बताना पसंद करूँगा। नहीं, बहुत बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि आपके पर्सनल मतलब जो लाइफ होती है, कि जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, उसने एक मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी। तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं। मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो। एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है, वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं। लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पकी हुई आम थे वो खाना हमें ज़रा ज़्यादा पसंद था। यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ, और फिर पूरा का पूरा। अच्छा, तब तो ये हाइजेनिक की कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए, टिकना करना, कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे बढ़े तो कई वैरायटियों के विषय में जानने लगे, आम रस खाने की आदत लगी। लेकिन आम दोनों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, अभी फिलहाल कंट्रोल, अब फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊं या ना खाऊं। नरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने सोचा था? और सोचा भी था तो कौन से साल में, कौन सी उम्र में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूँगा? कभी ऐसा विचार नहीं आया। अच्छा। और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है। शायद जो बन जाते हो सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई। क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गांव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो ऐसी यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया, तो अपने आप ही बनते चले गए, सब कुछ जिम्मेवारी आती गई, बहुत ही मतलब नेचुरली रहा है इसमें। वैसे मुझे मेरी दृष्टि से, मेरे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से अननेचुरल लग रहा है। ओके। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी दुनिया, आज की जो राजनीति का तौर तरीका, उसमें ये सब बैठता ही नहीं है जी। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि देश मुझे इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी? ये आपकी बात सही है, ये आपकी बात सही है। बचपन में मेरा एक स्वभाव था, किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी चला जाता था, तो बड़े बड़े लोगों के जीवन पढ़ना ये शौक रहता था। कभी
फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था खुद में भी। इतने में 1962 का वॉर हो गया तो हमारे यहाँ से दूर एक मेहसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था, तो जाकर के मैं भी वो, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है, तो कभी उस दिशा में सोचता था। इतने में एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि गुजरात में कोई सैनिक स्कूल है, उसमें आप दाखिल हो सकते हैं, तो हमने हमारे उस समय शायद 1 रुपया 2 रुपये से उसका सारा जानकारी मंगवाते थे। अब हमें तो अंग्रेजी आती नहीं थी, तो हमारे मोहल्ले में एक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर रास विहारी मणियार करके रहते थे, तो मैं उनके पास चला गया। अच्छा। मुझे कभी बड़े व्यक्ति से मिलने से कभी संकोच नहीं होता था, ऐसे ही फिर चला गया मैं बाहर। ये बात सही है कि भीतर मन में था, तो मैं रामकृष्ण मिशन में चला गया, एक स्वामी आत्मस्थानंद जी हुआ करते थे, अभी उनका करीब 100 ईयर उम्र में अभी स्वर्गवास हुआ, तो मैं सीएम बना तो मेरे घर उनको फिर बुलाया मैंने, प्रधानमंत्री बना तो उनके यहाँ चला जाता था, अभी कलकत्ते में अस्पताल में थे तो 2-3 बार हो आया था मैं, तो वो बड़ा बहुत मुझे प्यार करते थे, समझाते थे जिंदगी क्या है, टिकना क्या है। रामकृष्ण मिशन आश्रम में कुछ समय रखते थे मुझे, विवेकानंद जी जिस कमरे में रहते थे उसमें मुझे घंटों तक बैठने के लिए मौका देते थे, तो ये सारे नए नए अनुभव होने लगे। फिर हिमालय की दुनिया में चल पड़ा, बहुत कुछ भटका, बहुत कुछ घुमा, दुनिया देखी, और ये सब 18-20 साल 22 साल की उम्र में ही करता रहा मैं। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न भी था, कुछ इरादे भी थे, कोई गाइडेंस भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मन में सवाल खुद पैदा करता था, जवाब खुद ढूंढता रहता था, ऐसे भटकता 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 यहाँ पहुँच गया। तो आपकी लाइफ को मैं अभी आपकी बात मैं सुन रहा हूँ तो मुझे लगता है अगर आप प्रधानमंत्री नहीं होते होते तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो सन्यासी ज़्यादा लगते थे, मतलब सन्यासी बन जाते थे अगर आप। वैसे मैं क्या बनता ये कहना अभी कठिन लग रहा है, क्योंकि जो सोचा नहीं वो बन गया। वो तो हमेशा होता है, मेरे साथ भी, मैं भी आपको अगर एक किस्सा सुनाऊंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं क्या बनने वाला था, मैं एक मार्शल आर्ट का टीचर बनना चाहता था, कहाँ मैं फिल्मों में आ गया और फिल्मों में आते आते हीरो बन गया। मैं आपसे क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं ये जानना चाहता हूँ, गुस्सा आता है? और मतलब क्योंकि देखिए सबको गुस्सा आता है, आई एम श्योर आपको भी गुस्सा आता है, अगर आता भी है तो उस गुस्से में आप क्या करते हो, वो गुस्सा निकालने के लिए किस पे निकालते हो और कैसे निकालते हो? मेरे लिए ये कभी कोई कहेगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता है तो बहुत लोग को सरप्राइज होता है। आपको गुस्सा नहीं आता? मैं बताता हूँ। अच्छा। सरप्राइज होता है, इसलिए ये कहना कि राजी नाराजी गुस्सा ये मनुष्य के स्वभाव के हिस्से हैं। अच्छा। जिंदगी उसके बिना हो नहीं, हर प्रकार की चीज़ें हर के अंदर होती हैं, लेकिन जो मेरा 18-22 साल की ज़िंदगी का जो एक बड़ा तबका था, वहाँ जो मेरी ट्रेनिंग हुई उसमें ऐसी बातें थी जिन लोगों से होता था कि आपके जीवन में स्वभाव में ईश्वर ने सब दिया है, अब आपको तय करना है कि जो अच्छी चीज़ है उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना। तो फिर ये चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी लाती है वो रुकती है। मैं कह सकता हूँ कि मैं इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, इतने समय तक प्रधानमंत्री रहा, लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं आया, कभी नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाहर जो आपकी छवि है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे है। स्ट्रिक अलग चीज है, मैं स्ट्रिक हूँ, डिसिप्लिन हूँ, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा करके अपमानित करके काम नहीं करता,
मैं उसको प्रेरित करता हूँ। कभी कोई चीज़ है तो मैं खुद हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़ा हो जाता हूँ। मान लीजिए कोई कोई ड्राफ्ट लेकर के आया, तो एक तो तरीका होता है भाई क्या ले आए हो, दूसरा होता है वाह ऐसा करें ना, ये अपन करें तो कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है ये करें तो कैसा होगा। तो क्या होता है मेरी 10 मिनट पहले ही इन्वेस्ट हो जाती है, लेकिन वो मुझे समझ पाता है। तो अगली बार जब वो आता है तो मुझे मेरा समय ही नहीं जाता, वो मेरी कल्पना के अनुसार चीज़ लेकर के आ जाता है। तो एक प्रकार से मैं कोई लेके आता है तो उसमें से सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ और मैं अपनी टीम बनाता चल जाता हूँ। तो मेरे प्रेशर हैं, स्ट्रेस हैं, वो नीचे 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 डिवाइड होते चले जाते हैं। तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो मतलब आपको गुस्सा इतना गुस्सा नहीं आता? मैं अंदर तो होता होगा, मैं व्यक्त तो करने से अपने आप को बहुत रोक लेते हो। होता क्या है जी, कभी मान लो एक मीटिंग में आपने गुस्सा कर दिया तो मीटिंग का एजेंडा वगैरह सब छूट जाता है। हर एक के मन पे वो 2-3 मिनट की समय रहता है, वही छाया रहता है, वो बहुत नुकसान करता है जी। तो मैं जब जैसे मुझे गुस्सा आता है तो मैं आपको बताऊं, गुस्सा एक निकालना बहुत अच्छी बात है। मैं छोटा मुँह और बड़ी बात, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और मैं कहूँगा कि आप है ना गुस्से को जो है अंदर ना रखे, उसे निकाले। जैसे मैं निकालता हूँ, क्या करता हूँ, एक बॉक्सिंग बैग घर पे रखा हुआ है, जितना हो सकता है सुबह 4:30-5 बजे मार लेता हूँ और अपना गुस्सा निकाल लेता हूँ और फिर थक हार के बस, या कभी समुद्र किनारे चला जाता हूँ और ज़ोर से चीखता हूँ, कोई भी नहीं होता है। नहीं, इसके लिए एक अलग तरीका है। अच्छा, मन की स्थिति के लिए। ओके। एक तो होता है चेहरे पर बॉडी पर गुस्सा आना और शब्दों में व्यक्त होना, दूसरा होता है आपके इमोशंस को। मैं एक अपने अंदर एक चीज़ डेवलप की थी, ऐसी कोई घटना है जो मुझे पसंद नहीं आई है और मेरा मन करता कि ऐसा क्यों हुआ। कभी होता था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कभी होता था मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कभी ईगो बीच में आता है तो मैं व्यक्त भी नहीं करता हूँ भाई आई एम सॉरी मेरे से ये गलती हो गई, मनुष्य है। तो मैं क्या करता था, अकेला कागज़ लेकर के बैठता था, उस सारी घटना का वर्णन लिखता था, कैसे हुआ, क्या हुआ और मैंने क्या किया, क्यों किया, खुद ही, और उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करता था। फिर उसको मैं फाड़ करके फेंक देता था, पढ़ता भी नहीं था दोबारा। फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता था, पूरी कथा दोबारा लिखता था, 3 पेज 4 पेज 5 पेज, उसमें उस सारे घटनाक्रम को डाल के पूरे पेपर पे रख देता, फिर से एक बार जीवंत कर देता था। हाँ। इससे क्या होता था कि वो चीज़ें मेरी जो इमोशंस है उस कागज़ के अंदर आकर के फिर वो जल जाती थी। तो मैं एक प्रकार से फिर उसके उस प्रक्रिया के दरमियान जो पहले मुझे सच लगता था कि मैं सच हूँ, 2-3 बार लिखते के बाद मुझे लगता है नहीं ये गलत है, मैं सच नहीं था, मैं ही गलत था। अच्छा, ये मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ उसमें से। तो मतलब ये आपका तरीका है? हाँ, ये आपका। लेकिन अब वो नहीं रहा, इतना समय नहीं है। अच्छा, यानी मैंने अपने आप को ट्रेन उस प्रकार से किया था। इतना बड़ा आपका घर है, जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें? पहला है कि अगर मैं PM बनकर के घर से निकला होता तो स्वाभाविक रूप से मेरा मन रहता कि भाई सब वही रहे। मैं जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। मैं घर मन नहीं करता, माँ वैसे बहुत छोटी आयु में छोड़ दिया। ओके। छोड़ दिया उसके कारण वो जिंदगी ऐसी थी जो टोटली डिटैच बन गई है, और इसलिए जिसको कहे लगाव मोह माया, क्योंकि मेरी वो जो जिंदगी में जो घर छोड़ करके निकल गया था वो जो ट्रेनिंग हुई वो उस प्रकार की हुई, और उसके कारण एक अवस्था के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है। उस समय जब छोड़ा तब तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब जिंदगी वो बन गई। लेकिन फिर भी कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे। अच्छा। मैंने पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के, मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ। तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। तीसरा, मैं भी समय नहीं देता
जितने दिन माँ यहाँ रही मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था, तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था। फिर मुझे भी कभी पेन होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो माँ को दुख हो रहा है कि क्या कर रहा है। मुझे अभी भी याद है, मैं आपसे जब पहली बार आपसे जब मैं मिला था, तो मैं गुजरात में आपसे पहली बार मिला था जब आप वहाँ CM थे। तो उस वक्त एक या दो मतलब मैंने आपको एक दो चुटकुले सुनाए थे और आपने भी मुझे एक चुटकुला सुनाया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ह्यूमर अब प्रधानमंत्री बनने के बाद इंटैक्ट है? आप ह्यूमर मेरे मेरे परिवार में मेरी एक विशेषता है। मैंने जैसे आपको बताया आपकी छवि बहुत स्ट्रिक्ट है आपका मतलब मैंने आपके जो साथ में जो काम करते हैं कई लोगों से ऐसे ही बातचीत करते वक्त वो बातें यार बड़ा काम करवाते हैं, तो वो जो एक बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एक स्ट्रिक्ट हेडमास्टर ऐसा लगता है मतलब हाथ में छड़ी होगी उनके, तो अभी भी आपका ह्यूमर एक बात है ये जो छवि बनाई गई वो सही नहीं है। अच्छा वो अलग बात है। सही नहीं है और कोई ये कहता है कि मैं काम करवाता हूँ शायद वो सही रूप में एनालिसिस नहीं कर रहा है जी। वो ये कहे कि हाँ काम बहुत करना पड़ता है उसमें सच्चाई है ओके, लेकिन मैं किसी को दबाव नहीं करता हूँ। लेकिन वो जब खुद मुझको देखते हैं, पहले जैसे ऑफिस से आमतौर पर प्रधानमंत्री 6-7 बजे निकल जाते थे, दोपहर में भी 1-2 घंटे वो ऑफिस में नहीं रहते थे, मैं सुबह से जाता हूँ देर रात तक बैठता हूँ, तो वो भी देखते हैं कि भाई ये खुद मेहनत करते हैं, तो फिर उनको लगता है कि ये कोई हमसे मजदूरी नहीं करवाते, वो खुद बैठते हैं। तो कोई काम है तो मैं रात को 11 बजे फ़ोन करूँगा, अरे भाई उसका क्या हुआ, तो उनको लगता है कि ये अभी भी काम कर रहा है। तो एक प्रकार से एक टीम का स्पिरिट बन जाता है, एक वर्क कल्चर आप डेवलप करते हैं। मेरे आसपास में एक वर्क कल्चर डेवलप होता है और वो मैं खुद काम करता रहता हूँ उसके कारण होता है। स्ट्रिक्टनेस डिसिप्लिन थोपने से नहीं आती है, क्योंकि मैं ज़िंदगी मैंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ही अपनी ज़िंदगी खपाई है। आप लोगों को अच्छा झूठ बोल कर इम्प्रेस भी नहीं कर सकते हो लंबे अरसे तक, वो सब देखते हैं आपको कि या बात ऐसी करते हो करते ऐसे हो, तो आप जैसे हैं वैसे रहो और उनसे काम करिए। हाँ मैं काम के समय काम में रहता हूँ, इसलिए इधर उधर की बातें समय ख़राब नहीं करता हूँ मैं। दूसरा मान लीजिए मैं मीटिंग कर रहा हूँ और कोई मोबाइल फ़ोन अपना समय बिगाड़ रहा है, तो मैं फिर उनकी तरफ जा, अच्छा बताइए अभी मैं जो विचार कह रहा था क्या हुआ, तो उनका ध्यान नहीं था, तो उनको लगता था मोबाइल फ़ोन में मैं ट्विटर देख रहा था, तो तब से मेरी मीटिंग में समझ लोग समझ गए कि मोबाइल फोन लेके नहीं जाना चाहिए। मैं किसी से भी मिलता हूँ, कोई भी व्यक्ति आएगा, मेरा कभी बीच में फोन नहीं आता है। मैं किसी को ये नहीं कहता, मानता हूँ मैं भी आपसे 2-3 बार मिला हूँ आपने मतलब इट इज, तो ये मैंने डिसिप्लिन खुद के जीवन में लाया, तो सामने वाले को लगता है कि यार ये टोटली मेरे लिए डेडिकेटेड टाइम था, इन्होंने कोई उपयोग नहीं किया। इन चीज़ों का एक प्रभाव पैदा होता है। जहाँ तक ह्यूमर का सवाल है, मेरे परिवार में हमेशा ही कल्पना थी कभी पिताजी राजी नाराजी हुए हो कभी छोटी मोटी हो, तो हमेशा मैं पूरे माहौल को एक आधे मिनट में हल्का कर देता था, ये मेरा एक स्वभाव था। आज भी मुझे वो करने का मज़ा आता है शब्दों से खेलना वगैरह, पर अब क्या हो गया है जी, हर चीज़ के अलग अर्थ निकाले जाते हैं, आधा अधूरा वाक्य उठा करके उछाल दिया जाता है, तो अब डर लगता है कि कहीं कहीं जा कर के इरादा वो नहीं होता है, हंसी मजाक कहावत सब होना चाहिए लेकिन अब दुरुपयोग हो जाता है तो डर लगता आज है। ये सोशल मीडिया की वजह से लोग कोई भी शब्द कोई भी उल्टा सीधा करवा सोशल मीडिया के बजाय TRP वाले परेशानी TRP वाले करते हैं, तो आप जरा अपना ह्यूमर को बचा के रखते हो, लेकिन अपने दोस्तों के साथ आपके जो दोस्त हाँ हाँ वो तो आज भी चलता है जी। मेरी कैबिनेट मीटिंग का ब्रीफिंग होता है तो मेरे जो जूनियर अफसर हैं वैसे वो बेचारे संकोच करते हैं, क्योंकि उनके लिए PM जो एक औरा बना हुआ है दुनिया में वो तो बड़ा अलग है, मैंने वो औरा रखा नहीं है, मैं दोस्ताना करता हूँ, तो मैं उनको चुटकुले सुनाता रहता हूँ कभी कभी। सर ऑपोजिशन पार्टी में आपके कोई दोस्त हैं? बहुत दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त। आप अभी भी उनके साथ कभी चाय पीना? बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग साल में 1-2 बार साथ खाना भी खाते हैं। अच्छा हाँ,
मैं खैर वो फॉर्मल होता है क्योंकि हम तो कैमरा में देखते हैं, हम तो मीडिया के सामने, मीडिया जो दिखाती है हम तो वही देखते हैं, हमको तो पता ही नहीं होता है। बहुत पहले की बात है, तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, नहीं किसी काम से मैं शायद पार्लियामेंट गया था, और गुलाम नबी आज़ाद और मैं बड़े दोस्ताना अंदाज में गप्पे मार रहे थे। फिर हम बाहर निकलते तो मीडिया वालों ने पूछा, कह रहे यार आप लोग इतने पक्के दोस्त मार रहे हो, तुम तो बोले आरएसएस वाले हो, एक गुलाम नबी से तुम्हारी दोस्ती कैसे है? तो फिर गुलाम नबी ने अच्छा जवाब दिया, हम दोनों खड़े थे, बोला देखो भाई बाहर जो आप लोग सोचते हो ऐसा नहीं है, शायद एक फैमिली के रूप में हम लोग जितने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग, वो शायद बाहर कल्पना नहीं कर सकते, आपको हैरानी होगी, और वैसे मैं ये बोलूँगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये ममता दीदी साल में आज भी मुझे एक दो कुर्ते वो खुद सिलेक्ट करने जाती है और अच्छा। मेरे लिए एक दो कुर्ते भेजती है। अच्छा, दैट इज समथिंग वेरी बिग टू नो अबाउट सर। अच्छा, वो मिठाई भी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, तो मेरा दौरा हुआ तो ऐसे ही बंगाली मिठाइयों की चर्चा चली, तो आज भी वो साल में 3-4 बार कोई न कोई बंगाली नई मिठाई होगी तो स्पेशली ढाका से मुझे भेज देती। अच्छा, हाँ स्पेशली बड़ा आग्रह करके। तो ममता दीदी को पता चला तो वो भी साल में एक दो बार मेरे लिए कुछ न कुछ बंगाली मिठाई जरूर भेज देती है। मोदी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। मैंने ये सुना है, जब मैं पिछली बारी आई थिंक पिछले साल मैंने ये सुना था कि जब आप गुजरात से, गुजरात के सीएम से आप निकल के आप प्राइम मिनिस्टर जब बने थे, तो आपकी जो जमा पूंजी थी आपके बैंक में करीबन 21 लाख रुपए थे, और वो 21 लाख आपने अपने स्टाफ की बच्चियों के नाम पे एफडी या उनको बांट दिए थे। तो आज मैं जानना चाहूँगा, आप नहीं भी जवाब दे सकते हैं, आज आपका बैंक बैलेंस कितना है? एक तो ये आधी अधूरी बात है। अच्छा, आधी अधूरी इसलिए है कि जब मैं गुजरात से सीएम के रूप में निकला, वैसे मैं, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था। सीएम बनने के बाद एमएलए बना तो मेरा तनख्वाह आना शुरू हो गया। आपकी बैंक अकाउंट नहीं? उसके अच्छा, पहले नहीं था कुछ। अच्छा, हाँ एक बचपन में निकाला था, तो वो भी एक बड़ी लंबी कथा है। मेरी स्कूल में, वहाँ मेरे गाँव में एक देना बैंक का ब्रांच खुला, तो स्कूल के अंदर वो देना बैंक के लोग आए थे, उन्होंने सब बच्चों को एक गुल्लड़ देते, कुल्लड़ बोलते क्या, गुल्लक दिया, और बच्चों को कहा भाई इसमें आपको पैसे डालना है और हर महीने बैंक में जमा कराना, आपके नाम से पैसा जमा होगा। तो हमने भी बैंक अकाउंट उसमें खुलवा दिया। अब हमारे गुल्लक में तो कुछ आया ही नहीं। अच्छा, आने वाला कुछ था ही नहीं तो क्या आएगा। तो हम तो कभी पैसा जमा नहीं कराया, अब गांव छोड़ के चले गए हम, बैंक में हमारा अकाउंट बना रहा। तो उनको हर साल वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता था, लिखा पट्टी करनी पड़ती थी, तो वो मुझे ढूंढते रहते थे कि इसका बैंक अकाउंट बंद करना है, इसको बुलाए कहाँ से। तो शायद 30-32 साल तक वो बना रहा, और उनको कहीं पता चला बाद में कि मैं अब पॉलिटिक्स में हूँ, तो बैंक वाले मेरे पास आए, बोले साहब जरा सिग्नेचर कर दीजिए, आपका एक बचपन का बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है, हमको बंद करना है। अच्छा, तो मेरी बैंक अकाउंट से दुनिया ये रही। लेकिन जब मैं सीएम बना, एमएलए बना, तो फिर जो वेतन मिलता है वो आना शुरू हो गया, तब बैंक अकाउंट खुल गया। मैंने तो कभी वो देखा नहीं है, मेरा स्टाफ देखता था। जब मैं निकला वहाँ से, तो मैंने हमारे अफसरों को बुलाया, मैंने कहा भाई ये मेरा तो है नहीं, मैं ले जाके क्या करूँगा, मुझे तो कोई उपयोग है नहीं, तो मैं ये दे देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मत कीजिए। मैंने कहा भाई मैं करूँगा क्या इसे ले जाकर। तो खैर अफसर लोग मेरी इज्जत करते थे, तो ज़्यादा बहस नहीं की, चले गए। शाम को एक सीनियर अफसर को लेकर के आए मिलने के लिए, फिर उन सब ने तीन लोग थे ये समझा के बोले देखो मोदी जी ठीक है आपको ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन आपके पर इतने कोर्ट केसेस चल रहे हैं गुजरात में,
वकील भी इतने महंगे होंगे हैं, आपको कभी ना कभी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, पद पर तो कब रहोगे, कितना रहोगे आप, और बाद में बोले कोई नहीं देगा आपको, तो हमारी प्रार्थना है कि वैसा मत कीजिए। तो मैंने कहा क्या करूँ, बोले ठीक है आपकी इच्छा है तो कुछ हिस्सा दीजिए। तो उसमें से मैंने फिर 21 लाख रुपया दिया। अच्छा, उसमें से? हाँ, ओके। मेरे अपने जेब से दे दिया। और मैंने कहा कि ये जो हमारा सेक्रेटरीट है उसमें जो ड्राइवर है, हाँ, प्यून है, उनकी खास करके बच्चियाँ, उनको ये शिक्षा दीक्षा के लिए खर्च करना। अभी वो फाउंडेशन शायद बनाया हुआ है गुजरात सरकार ने, और उसमें से वो मदद कर भी रहे हैं। फिर वहाँ मुझे एक सरकार की तरफ से एमएलए को एक प्लॉट मिलता है, पैसों से मिलता है लेकिन कम खर्च में, हाँ। वो प्लॉट मिला तो मैंने पार्टी को कहा भाई ये ले लो आप, मैं आपको दे देना चाहता हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो मेरी वो प्रक्रिया चल रही थी, फिर पता चला कि वो मामला तो कहीं सुप्रीम कोर्ट में लटका पड़ा है, शायद वो ज़मीन किसी को दे नहीं सकते, इस प्रकार का कुछ है, मुझे पूरा याद मालूम नहीं क्योंकि मैं इस चीज़ों में रुचि नहीं लेता। लेकिन जब भी वो क्लियर हो जाएगा तो मैंने वो भी पार्टी को देना तय किया हुआ है। सब सच में गुजराती है ना, क्योंकि गुजराती जो होते हैं वो पैसों के लिए बहुत सही रहते हैं। मतलब मैं नहीं मानता कि मतलब आपने अपना प्लॉट दे दिया, आपने पैसे दे दिए, तो आप, क्योंकि मैं आपको, अगर आप इजाज़त दे तो मैं एक छोटा चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी। एक गुजराती आदमी था, बुज़ुर्ग आदमी था, वो मर रहा था, तो वो कहता है मेरी गुजराती ज़रा इतनी ठीक नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मारो डिकरो क्या छे, मतलब मेरा बेटा, तो बेटा अगर डैडी हूँ यहाँ छूँ, मारी डिकरी क्या छे, डैडी हूँ यहाँ छूँ, मेरी बीवी का है, मैं भी यहाँ हूँ, आप तीनों यहाँ हैं तो दुकान पे कौन है? तो सारे के सारे इधर ही आ गए हो तो मेरे दुकान पे कौन है? क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि, क्योंकि मैंने देखा है गुजरात, मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, गुजराती जो होते हैं वो अपने पैसों को बहुत सही संभाल के रखते हैं, वो अपने पैसों से दूर नहीं रहते। मैं आपको एक चुटकुला सुना दूँ? जो ठीक है, ये बहुत बड़ी हमारे यहाँ चुटकुला चलता है कि एक बार प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, रेलवे ट्रेन में, हाँ, तो ऊपरी बर्थ पे कोई पैसेंजर सोया हुआ था, तो उसने देखा स्टेशन आया तो उसने खिड़की में आवाज़ लगा के बाहर किसी को पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया, तो उसने कहा चार आना दोगे तो जवाब दूंगा, तो बोले जवाब की जरूरत नहीं, अहमदाबाद होगा। समझ गया मैं बिल्कुल, तो ये बिल्कुल बात सही एक है। और एक बताता हूँ, ये किसी की आलोचना करने के लिए नहीं है लेकिन कोई भी अर्थ निकाल सकता है, और ये सत्य घटना में से बना हुआ चुटकुला है। बहुत साल पहले, वैसे मेरी जिंदगी ऐसी थी, ये हाफ स्लीव का कुर्ता और पैजामा, जूते और थैला, यही सही मैं रेलवे में भटकता रहता था, और दाढ़ी रहती थी। तो मैं पुणे स्टेशन पे उतरा। अच्छा। और मेरे पास ज़्यादा सामान तो था नहीं, मेरा एक वो झोला था, एक अखबार था हाथ में, तो मैं पैदल चला जा रहा था, मुझे पुणे में आरएसएस दफ्तर में जाना था, तो मैं पैदल ही जा रहा था, तो एक ऑटो रिक्शा वाला धीरे 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 साथ चलता गया। फिर करीब 100-200 मीटर गया होगा और उसने मेरा ध्यान गया, मैं कहीं ऐसे कैसे चला रहा हूँ स्लोली मेरी स्पीड से। मैंने कहा भाई आपकी ऑटो रिक्शा खराब है, क्या प्रॉब्लम है आपका? तो उसने कहा साहब आप नहीं बैठोगे? मैंने कहा क्यों, मैं तो पैदल जा रहा हूँ। तो बोले आप समाजवादी हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो अहमदाबादी हूँ। तो मैंने कहा क्यों समाजवादी क्यों? ये बोले समाजवादी लोग, बोले हमारे पुणे के समाजवादी जो लोग हैं वो स्टेशन में पब्लिक के सामने ऑटो रिक्शा में नहीं बैठते हैं, दूर जाके गुपचुप बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों?
लोगों को इम्प्रेशन रहे कि वो मेहनत करते हैं, सादगी वाले हैं। ओके, अच्छा। तो बोले मुझे भी लगा शायद आप समाजवादी हैं, तो औरों की तरह आप भी थोड़ी देर के बाद बैठ जाओगे। तो बोले इसलिए मैं चल रहा था। तो जब उसने मुझे पूछा आप समाजवादी हो, तो मेरा तुरंत जवाब था मैं अहमदाबादी हूँ। आइए सर, एक थोड़ा चलते चलते बात करें आपसे। सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी एक अलादीन का चिराग मिल जाए और जिन कहे कि आपके तीन विशेष हैं, तो वो आपके तीन विशेष क्या होंगे? देखिए, अलाउद्दीन चिराग मुझे मिल जाए और सचमुच में उसके पास ताकत होगी जी, तो मैं उसे कहूँगा कि तुम जितने भी ये समाजशास्त्री हैं या जो एजुकेशनलिस्ट हो, उनके दिमाग में भर दो कि भावी पीढ़ी को ये अलाउद्दीन चिराग वाली कथा सुनाना बंद करें कि ऐसा कोई अलाउद्दीन होता है और इच्छाएं पूरी करता है। मैंने कहा उसको मेहनत करना सिखाओ। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप ये जवाब दोगे। मुझे लगा आप कोई तीन विशेष आप सोचोगे कि क्या है तीन विशेष, लेकिन ये एक बहुत ही सही तरीका है। आलसपना जो होता है वो यही चीज़ों से आता है। यार, आई विश मुझे ये मिल जाए, बैठे बैठे मिल जाए। तो ये जो आपने जो किया हुआ है, ये जो कहा हुआ है, बिल्कुल सही कहा हुआ है। ये मूल तो बाहर से आया हुआ चिंतन है जी, मैंने रिसर्च नहीं किया है। हाँ, ये हमारे यहाँ मूल चिंतन ऐसे नहीं है। मूल चिंतन तो हमारे यहाँ परिश्रम का है जी। हमारे यहाँ ये नहीं है कि भाई ऐसे ही कुछ आकर को कोई दे देगा, ऐसा नहीं है जी। एक ना एक दिन तो सभी को रिटायर होना होता है, आपको भी रिटायर होना पड़ेगा। तो आपने कभी पोस्ट रिटायरमेंट प्लान सोचा है कि आपने जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब आप पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे, तो आपके आगे जाके आपने क्या करना है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जी। हम लोगों की एक मीटिंग थी इनर सर्कल की, अटल जी थे, आडवाणी जी थे, राजमाता सिंधिया जी थी जी, सिकंदर भक्त साहब थे, प्रमोद महाजन भी थे, और उसमें सबसे छोटी आयु का मैं रहता था। तो बातें चली, उसमें से ऐसे ही अभी मीटिंग शुरू होना बाकी था, ऐसे गप्पे चल पड़े कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। तो सबने कुछ न कुछ अपना बताया। प्रमोद महाजन इसको बड़ा लोगों को खुरद खुरद करके निकालते थे। अच्छा, प्रमोद जी की व्यक्तित्व की विशेषता थी, उनका जीवन बड़ा विविधताओं से भरा था, अनेक प्रकार की एक्टिविटी से वो अपने आप को जोड़े रखते थे। मुझे पूछा, मैंने कहा भाई मेरे लिए तो बड़ा कठिन है क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कभी इस सारी चीज़ों में सोचा ही नहीं। मैंने तो जब जो जिम्मेवारी मिले उसी को जिंदगी माना है, जिम्मेवारी ही मेरी जिंदगी है। अच्छा। और इसलिए मुझे कल्पना ही नहीं होती है कि मेरे इसमें समय बिताने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को एंगेज रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कभी नहीं मेरे मन में विचार आया और न ही मैं सोचता हूँ। और मुझे पक्का लगता है शरीर का कण कण और जीवन का पल पल किसी न किसी मिशन में ही खपाऊंगा, ये आपने सोचा हुआ है? ये शायद सोचना नहीं है जी, मेरे पास इसके सिवाय कुछ मुझे पर कौशल ही नहीं है। मैं जिस हिसाब से आप बताते हो कि मुझे लगता है आप जिंदगी में, मतलब जब CM से यहाँ जब PM बने थे, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे वैल्यूबल चीज़ आप क्या लेके आए थे यहाँ इस घर के अंदर, सबसे वैल्यूबल चीज़ आपकी क्या रही थी? अगर मैं, वैसे ये पूरी बातचीत आपने पहले ही मुझे कहा भाई मैं तो कोई राजनीति की चर्चा करना नहीं चाहता, नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री बनते समय शायद और प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है। देश में इतने प्रधानमंत्री हो गए जी, इतने प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है। वो ये है कि मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह के आया और मैं गुजरात का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर था। चीफ मिनिस्टर होने के नाते आपको बारीकियों से जुड़ना पड़ता है, बारीकियों से काम करना पड़ता है, आपको इश्यू आपके सामने सीधे आते हैं, सॉल्यूशन आपको सीधा करना पड़ता है। ये तजुर्बा शायद मेरे पहले के किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला, इतना सद्भाग्य नहीं मिला। देवगौड़ा साहब मुख्यमंत्री रहे थे
लेकिन बहुत अल्पकाल के लिए, मैं बहुत लंबा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इसने मुझे देश की सेवा करने के लिए बहुत बड़ी संबल दिया, बहुत बड़ी ताकत दी है। ये मैं अपना एक मान सकता हूँ कि वहाँ से मैं लेकर के आया ये जो देश के काम आ रहा है। आप जैसे मैं जानता हूँ, जैसे मैं आपके एक स्टाफ मेंबर से भी बात कर रहा था, आप 3 या 4, 3.5 घंटे ही सोते हैं, मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए चाहिए, आप 3.5 घंटे ही सोते हो। ये बात आपकी सही है। मेरे जो जितने मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, या हमारे जो अब सरकार में आया हूँ तो डॉक्टर भी रहते हैं, उन सबका मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊँ। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले मैं, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को, तो तू ऐसा क्यों करता है जी? तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो नहीं मानते हो, नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, अब पता नहीं मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है। मतलब आपको नींद आती ही नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से तो आप उठ नहीं जाते हो कि अब मुझे काम? नहीं, मैं इतना नॉर्मली, देखा है आपने कि कोई भी व्यक्ति उठता है तो हाथ पैर इधर उधर करता है, आंखें ऐसे ऐसे करता है, मेरा कुछ नहीं। आँख खुलती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मेरा पैर जमीन पे होता है, मैं उठ जाता हूँ। उठता मैंने बिस्तर में उठता हूँ, ऐसा नहीं बिस्तर से भी बाहर होता हूँ। अब ये हो सकता है वो मेरी जो 18-22 साल के कालखंड में जिस जिंदगी को मैं जी रहा था जी, उसमें से शायद ये डेवलप हुआ है। अब वो मेरे शरीर का वो हिस्सा बन गया है तो, अच्छा। लेकिन मैं जैसा आपने कहा रिटायर्ड होने के बाद क्या करोगे, तो पहला काम मैं नींद कैसे बढ़ाऊं इस पर सोचूंगा। कहाँ बैठोगे? आज आपके सारे कागज पड़े हैं। कोई बात नहीं। तो आपको कभी, मैं ये जानना चाहूँगा, वैसे कई लोग जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को जब जुकाम लगता है तो वो क्या लेते हैं? आप हैरान होंगे, मैं बहुत ही, फिर वही कहूँगा, मैं ऐसी कठिन जिंदगी जी करके आया हूँ। तो डॉक्टर क्या होता है, ये महंगी दवाइयाँ क्या होती हैं, सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, वो सब आप आयुर्वेदिक पे बहुत विश्वास करते हैं। मैं बताता हूँ आयुर्वेद के बजाय कैसी जिंदगी है। अब आप जब पहाड़ चढ़ते हैं तो पैर तो दर्द करते ही हैं, है? कितनी आधी हो लेकिन ऊंचाइयों पर जाते हो तो, अब जो अकेला इंसान है वो क्या करेगा? मालिश वाले को तो कुछ नहीं करा सकता, किसी को होते नहीं है, फिजियोथेरेपी नहीं करा सकता, मसाज नहीं करवा सकता। अब मैं क्या करता था जी, मेरे कंधे पर हमेशा एक ये जो असम का गमछा होता है ना, ये गमछा मेरे पास रहता था ऐसा, तो मैं जैसे उसको ऐसे पैर पे बांध देता था पूरा, और बीच में एक छोटी लकड़ी तोड़ करके पैर से लगा देता था, फिर इसको मैं करो करता था। अच्छा। तो प्रेशर आता था, ऐसा पूरे बॉडी को मैं अपना मसाज खुद ऐसा तरीका रखता था मैं, तो ऐसी चीज़ें मैं इवॉल्व करता था अपने लिए। मैं बहुत साल पहले कैलाश यात्रा पर गया था पैदल, टोटल यात्रा करीब 1000 किलोमीटर का था, पैदल गया। कुछ और भी लोग थे, बड़े धनी लोग भी वहाँ कभी कभी यात्रा में आते थे, अब बहुत बड़े बड़े महंगे वो चमड़ी बचाने के लिए सब लेकर के आए हुए थे। मेरे पास तो कुछ था, मेरे पास कैस्टर ऑयल था और वो भी रॉ, सीधा वो घानी से निकाला हुआ, तो उसकी स्मेल भी बहुत ख़राब होती है, तो मैं उसी को लगाता था। अब ये लोग 5वें-6वें दिन मुंह नहीं धो सकते थे, क्योंकि उनकी चमड़ी जल करके निकल करके लटक गई थी, तो वो बड़े परेशान रहते थे। तो मुझे कुछ नहीं होता था, बोला मैं तेज तलाक रहता था, तो मुझे पूछने लगे आप क्या करते हो? बोला कुछ नहीं भाई, कैस्टर ऑयल लगाता हूँ भाई। तो रात को हम जब पहाड़ चढ़ करके रात्रि मुकाम होता था, ये मेरे पास आ जाते थे,
हर कोई एक एक बूंद कैस्ट्रोल में से ले जाता था। जुकाम होता देखो मैं गर्म पानी पूरा समय पीता हूँ। गर्म पानी? गर्म पानी, उसमें कुछ शहद या कुछ? कुछ नहीं, कुछ सिंपल गर्म पानी। दूसरा हो सके तो फास्टिंग करता हूँ। अच्छा, फास्टिंग यानी एकदम से सिवाय पानी कुछ नहीं, एक दो दो दिन 24 घंटे 48 घंटे ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तीसरा ये सरसों का तेल होता है, उसको थोड़ा गर्म करके रात को 2-3 बूंद डाल देता हूँ। जलन बहुत होती है लेकिन ये मेरा एक 2 दिन में क्लियर कर देता है। तो ऐसे ही जीने की आदत है। कुछ चीज़ें करता हूँ वो मैं चाहूँगा पूछना चाहूँगा आपसे। मैंने चीज़ फॉलो की है जिसको कहते हैं कि 7-12-5 × 40, यानी 7 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, 12 बजे मैं अपना लंच खा लेता हूँ और 5 बजे डिनर खा लेता हूँ। और 40 यानी कि जब भी एक गस्सा खाता हूँ उसे 40 बार चबाना है। तो ये मैंने अपने शास्त्रों में पढ़ा है, कई लोगों से बात की है, तो आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। अरे बिल्कुल सही रास्ता आपने चुना हुआ है। हमारे देश में मूल आदत यही है। हाँ, ये वेस्टर्न जो वर्ल्ड आया उसने फिर धीरे धीरे इसमें ये बदलाव किया कि लोग, वरना हमारा किसान आज भी गांव में सूर्यास्त के पहले चीनी लेना सर? मैं नहीं लेता जी। नहीं, सूर्यास्त के पहले थैंक यू खाना खा लेता है। और दिन में भी आपने देखा होगा किसान सुबह एक प्रकार से, वो किसको आप नाश्ता कहते हैं लेकिन एक्चुअली उसका वो लंच जैसा ही होता है। हाँ, वो काफ़ी मात्रा में बड़े बड़े रोटी और सब्जी या चटनी कुछ लेकर के खेत चला जाता है। दिन में थोड़ा सा लेकर के उसकी पत्नी सर पे कुछ रख करके जाती है, वो पूरा भोजन नहीं होता है। हाँ, थोड़ा होता है। ये आज भी हमारे देश में परंपरा है। आपका एक फैशन स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, मतलब दाढ़ी वाड़ी एकदम सही किया हुआ। और मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ आप हाफ स्लीव कुर्ता पहनते हैं, ज़्यादा करके हाफ स्लीव कुर्ता पहनते हैं। तो ये जो फैशन, ये जो है, ये जो आपकी जो शेविंग और ये सब, क्या ये मतलब फैशन जो है ये आपने खुद ने किया है या आपने किसी को? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे मैं बहुत स्ट्रीक हूँ, गुस्सा करता हूँ, ये जो एक छवि बनाई गई है वैसे दूसरी छवि मेरे इन कपड़ों की दुनिया को लेकर के बनाई गई है। दरअसल क्या है, मैं छोटी बैग में मेरी जिंदगी थी और मैं ट्रैवलिंग भी करता रहता था जी, आपने बताया झोले में। और तो मैं देखता था कि एक तो मैं कपड़े खुद धोता था, सीएम बना तब तक मैं कपड़े खुद धोया हूँ। ओके, कभी मैंने कपड़े, तो फिर मैंने कैसे सोचा कि लंबी बाहें रखता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा धोना पड़ता है। दूसरा मेरे बैग में वो जगह ज़्यादा लेता है, तो मैंने खुद नहीं काट दिया था। अच्छा, वो जगह ज़्यादा लेता है इसलिए आपने उसको? इसको मैंने काट दिया था। ओके, अब वो बात वो फैशन बढ़ गया जी। ये बात सही है कि मैं ढंग से रहना ये मेरी प्रकृति थी। शायद एक कारण ये भी था कि गरीबी के कारण कभी कभी इन्फेरियरिटी फील होती थी लोगों के बीच में, तो उसको ओवरकम करने के लिए शायद साइकोलॉजी पढ़ी होगी बचपन में, ऐसा मुझे लगता है। Okay. तो मैं क्या करता था, अब हमारे घर में वो प्रेस करने के लिए तो कुछ था नहीं, तो मैं ये बर्तन का जो लोटा रहता है उसमें कोयला भर देता था, गर्म कोयला, और उसी से कपड़ों को प्रेस करता था और पहन के जाता था। लेकिन जूते नहीं थे, तो मेरे एक मामा एक दिन आए घर पे, तो पता नहीं उनका मन कर गया तो उन्होंने मेरे लिए जूते ला दिए। तो एक कैनवास के सफ़ेद जूते हैं ना जी, हाँ, छोटे से, शायद उस समय तो 8-10 रुपए मिलते होंगे, वो ले आए। तो मैंने देखा थोड़े दिन में तो वो गंदे होना शुरू हो गए। तो मैं क्या करता था, क्लासरूम में सब बच्चे चले जाते थे, मैं रुका रहता था, और टीचर जो ब्लैकबोर्ड पर लिखता है ना, तो बाद में जो छोटा चॉकस्टिक का टुकड़ा रह जाता है वो ऐसे ही फेंक देता है। हाँ, तो मैं उसको इकट्ठा करता था, वो चॉकस्टिक के टुकड़े,
वो ले आता था और हर दिन सुबह चॉकस्टिक जूतों पे लगा देता था। हाँ 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 समझिए। और डेली ये मैंने कई बार आपसे मिला हूँ, आप घड़ी जो है वो अभी तो आपने सही पहनी हुई है, लेकिन घड़ी आप ज़्यादा करके ऐसे पहनते हो। घड़ी मैं सही पहनता हूँ क्योंकि मुझे मीटिंगों में बैठना पड़ता है ना। हाँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी को पता चले कि मैं ऐसे घड़ी देख रहा हूँ, उसको इंसल्ट फील होता है। अच्छा, तो मैं उसके सम्मान के लिए हमेशा कॉन्शियस रहता हूँ कि ऐसे चोरी छुपे से घड़ी देख लेता हूँ। आप कोई बैठा है बात कर रहा है और घड़ी देखते हैं तो मतलब कि आप उसको इशारा करो कि बहुत हो गया जाओ, तो आप ऐसे रखते हो। हाँ, तो ये मेरे मन में ऐसा है कि ये किसी का एक प्रकार के हिडन वे में है, मतलब बहुत माइन्यूटली आप लेकिन आप मानते हो मैंने आपको ऑब्जर्व किया कि आप घड़ी उल्टी पहनते हो। मैं देखा था कई बार देखा आपने कि आप घड़ी उल्टी पहन के। सही देखा। मोदी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया का आजकल तो पूरा ज़माना है एंड मैंने देखा है कि आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो आपको लोग प्रश्न पूछते हैं या लोग आपसे बात करते हैं तो आप खुद देखते हो ट्विटर या इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आप देखते हो सर? मैं ज़रूर देखता हूँ और एक प्रकार से उससे मुझे बाहर की बहुत प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं जी। और मैं आपका भी ट्विटर देखता हूँ और ट्विंकल खन्ना जी का भी ट्विटर देखता हूँ और कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो जो मेरे पर गुस्सा निकालती है ट्विटर पे तो उसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में बड़ी शांति रहती होगी, उनका पूरा गुस्सा मेरे पर निकल जाता होगा। हाँ। इसलिए आपको बड़ा बड़ा आराम रहता है, सुकून मिलता होगा। तो मैं आपके लिए इस प्रकार से काम आया हूँ, खास करके ट्विंकल जी के लिए। और शायद ट्विंकल जी को पता नहीं होगा, उनके नाना जी चुनी भाई उनसे मैं मिला था। अच्छा, ये तो बहुत पहले। और कारण क्या था ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। गुजरात में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था तो हम लोग कुछ ना कुछ सामाजिक काम करते थे, उसमें हम लोगों को ये बटर मिल के केंद्र चलाते थे छाछ पीने के लिए गर्मी में लोगों को। हाँ, बटर मिल तो वो मूल सुरेंद्रनगर ज़िले में हम बहुत बड़ी मात्रा में करते थे। तो उस एक कार्यक्रम में मुंबई में एक सज्जन थे, मिठाई के बहुत बड़े व्यापारी थे, नाम तो मैं भूल गया, वो उनको लाए थे और उन्होंने डोनेशन भी दिया था। हाँ। और हमने ऐसे छाछ केंद्र चालू किए थे बटर मिल्क के। ओके। बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे पानी की परब रहती है वैसे छाछ की परब रहती थी और हर गरीब व्यक्ति वो। तो उस समय मैं उस सेवा के काम में लगा था और उस समय इनके नाना जी वहाँ आए थे तो उस समय मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तब मुलाकात, काफ़ी बातें हुई थी उनके साथ, तो मेरा उस प्रकार से उनसे परिचय रहा है। तो आप मतलब खुद भी पढ़ते हो और लोगों को? बिल्कुल, मैं पढ़ता भी हूँ और मजा लेता हूँ। आपको वैसे मैं जब आप अपने ऊपर कोई मीम्स बने हुए देखते हो जो सोशल मीडिया पे मीम्स आते हैं तो वो मीम देख के आपको हंसी आती है? वैसे आपने कहा गुस्सा तो आता नहीं ज़्यादा करके, लेकिन वो जो मीम्स आप देखते हो तो आपको कैसा लगता है? जैसे देखो मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ, ये देखिए। ये लिखा है दिस टी सेलर कैन गिव नेशन यूनिटी इक्वालिटी सेफ्टी प्रॉस्पेरिटी। तो ये एक है, इसमें लिखा हुआ है चटनी के बिना ढोकला है बेकार, अब की बार मोदी सरकार। ये देखिए हमारे मेरे ही सारे फ्रेटर्निटी के लोग आए थे आपसे मिले तो सबके यहाँ लगा दिया जय श्री राम। ये आपने देखा कभी? ये मैंने नहीं देखा, ये आज देख रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं देखा आपने। तो ये रोहित शेट्टी जो है ये एक्शन डायरेक्टर हैं, मीट नरेंद्र मोदी जी, और अगले दिन आपको उनका इतना असर पड़ा सीधा मोटरसाइकिल लिया आपने निकल पड़े। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूँ। मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रिएटिविटी को ज़्यादा देखता हूँ। तो मुझे उस क्रिएटिविटी के प्रति यानी मेरा घोर भी विरोध होगा, ये बड़ा मजा आता, क्या बड़े सटीक तरीके से कहा है उसने। मतलब बहुत अच्छी क्रिएटिविटी उनकी है, मतलब क्या सोचते हैं ये लोग और यूं झटके में सोचते हैं। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जी। मैं आपको बताऊं, आप और मैं भी बात कर रहे हैं जब सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये है कि मुझे कॉमन मैन की जो सेंस है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका एनालिसिस है, ये समझने में बड़ा। वरना क्या होता है, ये बनी बनाई लोगों की जो परोसी हुई चीज़ होती थी जी, 5-star फूड जैसा होता था वो,
ये एक प्रकार से फुटपाथ पर का जो चने चबेने और पकोड़ा होता है, हाँ हाँ, वैसा सोशल मीडिया का मटेरियल होता है, फिनिश नहीं होता, लेकिन उसमें से आपको सच्चाई हाथ लग जाती है। मैं तो ये वेट कर रहा हूँ जब ये आएगा तो इसके ऊपर भी बड़े मीम्स बनेंगे। हाँ, इसके ऊपर भी बड़े मीम्स बनेंगे। तो आप तो खैर तैयार, मैं मुझे, मेरे लिए पहली बार होगा ये, मतलब कुछ लोग होते हैं इंटेंशन से आपको चुभे इसलिए करते हैं जी, जानबूझ करके। उस समय आपने अपने आप को संतुलित रखने से उसके सारे इरादे फेल हो जाते हैं और वो उसको, उसकी नींद आराम कर देते हैं। अगर आप उसको रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको मजा आ जाता है। लेकिन देखा, छोड़ दिया तो उसकी नींद खराब है। मैंने इतनी मेहनत की, इतना मोदी जी के बाल नोचने वाली चीज की, मोदी को कोई हो ही नहीं रहा है, तो वो परेशान हो जाता। हाँ, फिर वो अपना बंद भी कर देता थोड़ी देर बाद। ये भी बात सही है। बस सर, आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है। आपसे मैं 2-3 बार पहले भी मिल चुका हूँ और आज मुझे मौका मिला है आपसे वार्तालाप करने का, आपसे बातचीत करने का, तो बहुत अच्छा लगता है। एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, यू आर अ लवली पर्सन। यू आर अ पर्सन जिसने ज़िंदगी में सब कुछ देखा है, झेला है, पाया है और खोया भी है, और सैक्रिफाइस आपकी ज़िंदगी के, मैं ये मेरा एनालिसिस है जो मैं आपसे अभी बात करके, मेरा ये मेरा एनालिसिस है कि आपके आपकी ज़िंदगी के आपने बहुत सैक्रिफाइसेस भी किए हैं। सो वी आर ग्लैड, आई एम ग्लैड दैट मुझे ये मौका मिला है आपसे बातचीत करने का। क्या आप मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती हैं आज भी। अच्छा, वो भेजती आज देती है। देती, जब भी मिलने जाऊंगा तो 125 रुपया वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा, और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, उनको ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा, शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार पर का कोई खर्चा सरकार पर नहीं है, वरना बाकियों का परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है सब, मेरे परिवार कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं लेता है। मैंने, हाँ ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्रकार से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ के प्रति लगाव नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैंने अपने आप परिवार, पूरा देश को अपना परिवार बना लिया है, इसी में लगा रहता हूँ, यही काम करता रहता हूँ। मोदी जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको, मतलब बचपन में ऐसा कौन सा खेल था जो आप खेलते थे? मैं बचपन में संघ की शाखाओं में जाता था। अच्छा, संघ की शाखाओं में बड़े अच्छे वैज्ञानिक खेल होते हैं। अच्छा, बड़े वैज्ञानिक, जिसमें टीम स्पिरिट आए, जिसमें जैसे एक एक खेल होता है, ये सब सर्कल में बैठते हैं, फिर जो हमारा लीडर होता है वो पूछता है कि आपके राइट साइड पर जो बैठा है उसकी एक क्वालिटी बताओ। ओके, अब है तो खेल, लेकिन आपको उसके कारण कॉन्शियसनेस आता है कि हाँ भाई, दूसरे के गुणों को देखना चाहिए। अब खेलते खेलते ही डेवलपमेंट होता है इंसान का, और इसलिए मुझे बचपन में संघ की शाखाओं में खेलों के द्वारा टीम स्पिरिट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना क्या होता है, ये खेल है संघ में, बहुत बढ़िया खेल है। वो परंपरागत खेल है, कोई संघ वालों ने ढूंढे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बहुत काम आते हैं। दूसरा, मैं योगा से ज़्यादा जुड़ गया, फिजिकल एक्टिविटी ग्रुप में कहे तो, लेकिन मैं इंडिविजुअल खेल के बजाय ग्रुप वाले खेल को हमेशा पसंद करता रहा, क्योंकि वो एक प्रकार से आपके व्यक्तित्व को अलग से डेवलप करते हैं। जो इंडिविजुअल खेल होता है वो आपको एक अलग प्रकार का डेवलपमेंट करता है, वो गलत करता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अलग प्रकार का करता है। टीम के अंदर खेलने से अलग प्रकार का होता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है, आपको साथ चलना पड़ता है, आपको किसी की लीडरशिप पूरा करनी होती है, आपको सबॉर्डिनेट को संभालना होता है। तो ज़िंदगी जीने के लिए ग्रुप वाले गेम्स खेलने चाहिए। ओके, इंडिविजुअल कितना ही हम बढ़े चल जाए, लेकिन ग्रुप वाले खेल जरूर खेलना चाहिए, ये मेरा मत रहता है। जी, आपने कभी गुल्ली डंडा खेला है? बिल्कुल खेलता था गुल्ली डंडा। हाँ,
हमारे यहाँ गांव में खेलते थे, फिर कंचे खेलते हाँ, लेकिन ज़्यादातर मैं तैरने के लिए चला जाता था, मुझे पानी पसंद था। अच्छा, तो तैरने के लिए चला जाता था। दो कारण थे, एक तो मेरे परिवार के सारे कपड़े मैं धोता था, परिवार के सभी सदस्यों के। अच्छा, तो तालाब में ही पानी था तो हम तालाब में चले जाते थे, तो उसके कारण स्वाभाविक मेरा स्विमिंग सीख गया, तो मैं बहुत घंटों तक स्विमिंग कर लेता था। तो मेरे शरीर के जो अगर मूलभूत कहें कि डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट जिसको कहें, वो शायद स्विमिंग से हुआ है। वो गांव वाला स्विमिंग जो जी जी, समझ गया, अपने गांव में तालाबों में नहर हो गई, तालाब हो गया वहाँ उसी में। मुझे अभी याद है आपका, मैंने एक यूनाइटेड नेशन में एक पहली जो स्पीच देखी थी आपकी, आई थिंक 2014 में दी थी। मैं प्रधानमंत्री बना और सितंबर में गया था, सितंबर में गए थे। तो आपने जब आपने इतने सारे स्पीचेस दिए हैं हिंदुस्तान में, तो वो आपका पहला स्पीच था जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया, तो वर यू नर्वस? क्या मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नर्वस थे उस दिन? मेरा प्रॉब्लम ओवर कॉन्फिडेंस का है। अच्छा, उल्टा था? उल्टा था। और हुआ क्या कि मैंने मन में सोचा था कि ये मेरा फ्रेमवर्क रहेगा बोलने का। जब जहाज़ में यहाँ से जा रहा था, हमारे अफसरों ने मुझे ब्रीफिंग भी किया था। जब मैं अमेरिका पहुँचा तो हमारी फॉरेन मिनिस्टर सुषमा जी, उनकी मीटिंग ज़्यादा होती थी तो उनको पहले जाना पड़ता है, तो पहले गई हुई थी। तो पहुँचने के बाद ही मेरा कोई दूसरे दिन कार्यक्रम था, तो मेरा नेचर है मैं होटल से उतरता हूँ तो पहले मीटिंग कर लेता हूँ। तो ब्रीफिंग के लिए सब बैठे थे, तो सुषमा जी ने पूछा कि साहब आपका भाषण वगैरह, मैंने कहा कर लेंगे क्या है, तो वो अड़ गई। उन्होंने बड़ा आग्रह, नहीं कि बोले साहब ऐसा नहीं चल सकता। अच्छा, अफसर लोग बोल नहीं पाते थे मुझसे, किसी ने मुझे कहा भी नहीं था। बोले हाँ, एक्सटेम्पो भाषण नहीं करना चाहिए, बोले लिखित स्पीच होना चाहिए। मैंने कहा भाई मैं तो ना किसी को लिखने के लिए कहा है, ना मैंने लिखा है, मैं तो हर जगह वैसे ही करता हूँ। खैर, काफ़ी दिन हमारी आधा घंटा तक बहस होती रही, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पकड़ कर रखा, नहीं साहब इसमें आपकी नहीं चलेगी, आपको मानना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या करेंगे ये? तो मैंने कहा मैं अपना बता देता हूँ मुझे क्या बोलना है। तो मैंने वहीं पर उस दिन मैंने कहा इसके आधार पर आप बना दीजिए, फिर वो स्पीच तैयार हुई। अब मुझे स्पीच प्रॉब्लम नहीं था, पढ़ना ही प्रॉब्लम था। मतलब पढ़ना यानी कि पढ़ कर के बोलना, वो मैंने कभी आपको देखा मुझे नहीं। मुझे बहुत दिक्कत होती है जी, बहुत दिक्कत होती है। मेरा थॉट प्रोसेस इतना तेज चलता है, तो मेरा वो पहला भाषण जो है हाँ, वो पढ़ कर के मैं किया हुआ हूँ, यानी एक्चुअली पढ़ रहा हूँ मैं। आपने देखा होगा मेरे हाथ में हाँ, कागज है। तो ये अच्छा, सबसे पहले मुझे नेपाल प्रधानमंत्री बने के बाद तो वहाँ भी मैं एक्सटेम्पो बोल दिया था, और वो भाषण आज भी मशहूर है जी, आज भी मशहूर है भाषण नेपाल में, पहला भाषण था। तो एक्सटेम्पो वाला भाषण आपका हमेशा, मैंने कभी वैसे देखा नहीं। तो मेरे लिए फिर वो ये इस प्रकार की जो मीटिंगें होती हैं उसमें ये बहुत आवश्यक हो गया। बाद में मुझे भी ध्यान में आया कि भाई ये देश का मसला होता है, कोई इधर उधर शब्द न चला जाए, तो फिर खैर मुझे उस डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन मेरे पहले भाषण का मेरा अनुभव ये है। ठीक है, फिल्में देखते हैं? अभी नहीं देख पाता हूँ। लास्ट फिल्म कौन सी थी? लेकिन मेरे गांव में एक थिएटर था जी, और मेरा एक दोस्त था दशरथ करके, उसके पिताजी थिएटर के बाद सिंह चना बेचते थे। अच्छा, और हम गांव वाले उनको लक्ष्मण भाई थिएटर वाला बोलते थे, वो बेचते थे तो चना से, तो उनसे हमारा परिचय था। तो हम वहाँ जाके बैठते थे, और अगर थिएटर में दर्शक कम है और जगह बची है तो फिर वो थिएटर के बाहर ही बैठते थे, तो मालिक को कह देते कि जरा इन बच्चों को बिठा दो ना, तो फिर वो मुफ्त में हमको थिएटर में जाने का मौका मिल जाता था। वो लक्ष्मण भी जो सिंह चना बेचते थे उनके कारण। तो मैं और हमारा वो दोस्त है दशरथ, तो हम दोनों जाके बैठ के मूवी देखते थे। तो बचपन में मूवी देखने का यही एक हमारा तरीका था। बाद में तो ज़िंदगी ऐसी बन गई तो कोई मौका नहीं मिलता, लेकिन शायद एक अमिताभ बच्चन जी आए थे जब मैं CM था। अच्छा। तो उनका बड़ा आग्रह था एक पा फिल्म शायद जी, बिल्कुल
तो देखने के लिए उनके साथ में चला गया था। एक बार अनुपम जी खैर आए थे, उन्होंने टेररिज्म को लेकर के एक फिल्म बनाई थी, सीएम था मैं, टेररिज्म को लेकर के एक फिल्म बनाई थी, वेडनेसडे शायद, हाँ वेडनेसडे, हाँ, तो वो मैं उनके साथ देखने चला गया था। तो ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वो भी ज़्यादा पीएम बन के बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल, वक्त भी नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं कर पाया। अब आपने बिल्कुल जरा नहीं कर पाया। क्या मैंने एक फिल्म बनाई थी, आपको मैंने हल्का सा कुछ बताया भी था पहले, कि टॉयलेट एक प्रेम कथा पे फिल्म बनाई थी, और मैंने वो मैं खुद देख नहीं पाया, लेकिन मैंने लोगों को बहुत कहा, हाँ वो कि देखो भाई सामाजिक जीवन पर कैसे फिल्में चल सकती है और बन सकती हैं। हाँ वो कमर्शियल हिसाब से मैंने पूरे बनाए थे, बल्कि गाने वाने वगैरह ये माँ पिता सब कुछ उसमें रखा हुआ था, और नहीं मैसेजिंग सोशल मैसेजिंग था वो, अच्छा था। हाँ तो लेकिन खैर वो तो मैंने रियल लाइफ में किया था, लेकिन आपने रियल लाइफ में करीबन 9 करोड़ से भी ज़्यादा टॉयलेट्स बनाए हैं, तो ये तो मतलब ये मतलब ऐसा कैसा हो गया, जैसे कि आपने जैसे ही आप प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहले आपने स्वच्छता के ऊपर बात की, टॉयलेट्स के ऊपर बात की, तो आपको वो डर नहीं लगा कि आप पहली बार मतलब आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और सबसे पहला मतलब द फर्स्ट फ्यू मुद्दा इसी पे रखा हुआ है, स्वच्छता पे रखा हुआ है, स्वच्छता आपके लिए बहुत मायने रखती है। मैं मेरे जीवन में मैंने गांधी जी वगैरह जो पढ़ा है और कुल मिला के मैं देखता हूँ कि हमारे देश में बीमारी गरीबी इन सब की चीज़ों के साथ हेल्थ बड़ा सबसे बड़ा विषय है, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए दो चीज़ें मैं देखता हूँ, एक स्वच्छता और एक फिटनेस। आप अपने शरीर को फिट रखिए बनाइए तो बाकी आर्थिक रूप से बोझ बनता नहीं है ज़िंदगी, उस प्रकार से जिए। पर्सनल हाइजीन में तो हमारे यहाँ शास्त्रों के कारण संस्कारों के कारण घर में आओ तो पैर धो करके आओ, हाथ धो, मंदिर में जाते हो तो नहा करके जाओ, सब बहुत सिखाया जाता है। सोशल हाइजीन के प्रति हम उदासीन रहे हैं, और भारत जैसा देश दुनिया में अगर इतना बड़ा दुनिया को देने के लिए टूरिज्म डेवलप नहीं हो रहा है, एक कारण है गंदगी जी, वैसे भी किसी भी समाज के लिए शोभा नहीं देता है। तो मेरे मन में एक बड़ी चीड़ है, और मैंने सोचा इसको एक जन आंदोलन बना देना चाहिए, और देश को गर्व होना चाहिए, हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारे देशवासियों ने इस कार्यक्रम को अपना बना लिया, और ये 9 करोड़ टॉयलेट बन जाना 2014 के पहले 38% रूरल सैनिटेशन था, 98% हो गया, मतलब देश तैयार था। और मुझे खुशी है कि देश ने किया है, मैं तो कौन होता हूँ करने वाला जी, देश ने चीज़ को उठा ली। आप एज अ प्राइम मिनिस्टर आप कभी चिल एकदम आराम करते हैं, मतलब कुछ आराम से बैठ के यूं बैठे हैं गार्डन में सोच रहे हैं, बस ऐसे ही कुछ नहीं, चिल आउट के लिए? मेरी एक 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 आदत है, मुझे अब कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरा बड़ा स्वभाव रहा है, एक तो मुझे सुबह 5 बजे चाय पीने की आदत है, बिना शक्कर चीनी में लेता हूँ, हाँ चीनी लेता नहीं हूँ, अच्छा नहीं लेता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आदत नहीं लेता हूँ। दूसरा मुझे शाम को 6 बजे दिन में किसी के साथ कटसी के लिए बैठ गया, थोड़ा ले लिया, 2 घूंट तो अलग बात है, चाय की आदत नहीं है, लेकिन शाम को 6 बजे मुझे चाय की आदत है, ऐसा लगता है मेरी बॉडी रिक्वायर कर रही है। लेकिन वो मुझे तब मज़ा आता है, मैं छत के नीचे नहीं हूँ, सीधा आसमान से मेरा संपर्क होना चाहिए, खुले में बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ, और वहाँ आराम से चाय पीता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आता है। वो जगह कौन सी है? यहाँ भी मैं कर लेता हूँ, और मेरे ऑफिस के उसमें भी कर लेता हूँ, अच्छा। लेकिन जो साउथ ब्लॉक का ऑफिस है वहाँ संभव नहीं है, ओके। वहाँ तो एकदम से वो बंद कमरा है, लेकिन ये मेरी पसंद की जगह काम है। दूसरा एक चीज़ मैंने बहुत की थी, और जो जैसा आपने कहा रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, तो उस काम को ज़्यादा करूँगा, पहले मैं रेगुलर करता था, मैं कभी दिवाली नहीं मनाता था जी, अच्छा नहीं, मैं दिवाली में 4-5 दिन कहीं चला जाता था, और 5 दिन के लिए मेरी जो रिक्वायरमेंट रहती थी पानी वगैरह वो साथ ले लेता था, और वो भी मैं उठा के ले जाऊँ उतना ही, और मैं पहले रिसर्च करके रखता था कहीं जंगलों में कोई जहाँ इंसान ना हो, लेकिन पीने के लिए शुद्ध पानी अवेलेबल हो, ऐसी जगह ढूंढता था और वहाँ जाके मैं रहता था, कभी पेड़ के नीचे, क्या कोई खंडहर कोई मिल गया तो उसमें पड़ा रहता था।
अच्छा उस समय मैंने तो टीवी वगैरह तो थे ही नहीं, रेडियो भी मैं साथ नहीं रखता था, ना अखबार ना कुछ नहीं, कागज़ पेन भी नहीं, किताब भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं था। और 5 दिन मैं ऐसे ही अकेला रहता था, प्रकृति को देखना। एक प्रकार से मेरा वो कार्यक्रम का नाम था मैं मुझसे मिलने जाता हूँ। ओके, मैं मुझसे मिलने जाता हूँ, ऐसा ही मेरा। वो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी ताकत देने वाली चीज है। तो कई वर्षों तक अब नहीं कर पाता हूँ। अब तो क्या SPG वगैरह ऐसा कवर हो गया है, जिंदगी अलग हो जाती है, लेकिन बहुत सालों तक मैंने किया है और मैं उससे बहुत ताकत पाता था और जो विचार आए आने देता था। किसी विचार को टिकना है तो टिकना, कुछ लिखता भी नहीं था, ऐसे ही रहता था। तो यही मेरा एक तरीका रहता था। आपका मेरे में कॉमन यही है कि आप चाय बेचते थे और मैं जी वेटर था, दोनों के आप। और मेरे में ये भी है कि हम दोनों के कोई गॉडफादर नहीं थे, हम अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स और कंडीशंस पे बनाई है बस। तो ये रहा है बस। जब मैं चाय बेचता था बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता था, हर एक के स्वभाव को समझता था। बिना कारण जो चाय पीने वाला है गुस्सा करता था, डांट देता था, तो इन चीज़ों को सीखने में बहुत काम आया। लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत मज़ेदार है मेरी ज़िंदगी की, मैं जब लोगों से हिंदी में बात करता हूँ तो बहुत सरप्राइज करता हूँ। मुझे हमारे सिकंदर बख्त साहब थे BJP के लीडर जी, वो मुझे हमेशा कह रहे हैं, मोदी तू इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल लेता है, तू तो बोले गुज्जू है, ये तेरा मुरारजी, वो दोस्त था ना, है तो बहुत बड़ी आयु के थे, बोले तेरा मुरारजी इतने साल तक यहाँ रहा लेकिन उसको हिंदी बोलना नहीं आता है, ऐसा मुझे। तो उसका कारण ये था कि मैं चाय बेचता था तो मेरे गांव में ये जो ट्रेनें तो बहुत कम आती थी, लेकिन ये जो मालगाड़ी होती है, जो माल ढोती है, वो ज़्यादा आती थी। और मुंबई में जो भैंसों के तबेले रहते हैं उसके जो दूध बेचने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, दूध जब भैंस देती है तब तक मुंबई में रखते हैं, बाद में वो गांव में आके छोड़ देते हैं। वो भैंसों को लाना ले जाना एक बड़ा कारोबार चलता था, तो वो आते थे और वो बेचारे घास वास उसी में भरते थे, उसी में रहते थे और भैंसों को ले जाते थे। एक व्यक्ति आएगा तो 3-4 दिन रहना पड़ता था। हम उनको चाय चाहिए, हम चाय देते थे। उनसे बातें करते करते मैं हिंदी सीख गया। अच्छा, फिर वो क्या करते थे, अपना म्यूजिक की कुछ चीज़ें ले आते थे, तो शाम को वो चौपाइयाँ वोपाइयाँ अपना भजन कीर्तन करते रहते, तो मैं कभी जाके बैठ जाता था। तो मुझे उसके कारण नॉर्थ के कल्चर से परिचय आया। ओके, तो एक प्रकार से चाय ने मुझे ये लैंग्वेज सिखा दी। तो आप ये जो सॉन्ग की बात आई, आप कभी कोई हिंदी गाना गुनगुनाते हो अकेले में? गुनगुनाना तो नहीं होता है, लेकिन मैं जब चाहता तो मेरे मन पे जो कुछ गीत है, ज्योति कलश छल के, या ये पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, ऐसे जो गीत थे बहुत पुराने, तो बहुत अच्छे लगते थे। आज के कोई गाने नहीं गुनगुना? आज तो पता ही नहीं मुझे। मुझे आपसे बात करके, चलिए देश के लोगों के लिए काम आएगा कुछ बातें नई नई। बहुत सारी चीज़ें काम में आएंगी इसमें, बहुत सारी चीज़। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि ये चुनावी आपाधापी तू तू मैं मैं के बीच ये भी एक कुछ पल होता है, तो जो आप पूछते हैं ना कैसे रिलैक्स होते हो, ये भी तरीका है रिलैक्स होने का। बहुत रिलीफ रहेगा।